हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपीयर ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय जो है गणित है, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 4 चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.1 जो कि कक्षा 10 की गणित जो है वह NCERT और UP बोर्ड 2024 और 2025 के सिलेबस पर है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों प्रश्न नंबर सात को सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 8 को हमने पहले ही लिख लिया है जिससे कि हमारा थोड़ा समय बच जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है हमारा। समीकरण 9x² + 1√3x + 1√3 = 0, और दूसरा है हमारा 5x² = 25, और तीसरा है 3x² + 7x + 11 = 0, और √2x² + √3x + √7 = 0। यहाँ पे दिया गया कि सभी द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, परंतु x + 9 = 0 द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? यहाँ पे ये चीज़ पूछा गया दोस्तों कि x + 9 = 0 जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? इसमें दोस्तों यहाँ पे पहले बारे में दिया गया है कि बोला गया है कि यहाँ पे 9x² + 1√3x + 1√3 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है, यहाँ पे लिखा भी है कि दिए गए सभी ऊपर सभी द्विघात समीकरण हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ही पढ़ लिया है हम लोगों ने, तो क्या ये भी द्विघात समीकरण है? और यहाँ पे देखेंगे 5x² यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों इसकी घात कितनी है, 2 है, तो मतलब ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे भी देखें तीसरा जो हमारा है यहाँ पे, ये तीसरे में भी क्या है, 3x² यहाँ पे भी x की जो है घात कितनी है, x की घात यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये भी क्या हुआ, एक द्विघात समीकरण ही हुआ। और यहाँ पे भी देखेंगे चौथा नंबर जो दिया गया है यहाँ पे √2x² यहाँ पे भी चर राशि x की घात 2 है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा द्विघात समीकरण ही हुआ। और यहाँ पे दिया गया है कि सभी द्विघात समीकरण हैं, मतलब ये सब सभी द्विघात समीकरण हैं, किस तरह से हमने अभी जान लिया। ठीक है, क्योंकि जिस चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है वह क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। परंतु यहाँ पे x + 9 = 0 जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे इसका सीधा आंसर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें सॉल्व करने लायक ऐसा कुछ है नहीं है, सिर्फ पूछा गया है। इसमें लिखेंगे x + 9 = 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों नहीं है उसके बारे में लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इस समीकरण या इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे दोस्तों कि यहां पे दिया गया है कि इसमें जो 4 समीकरण दिए गए हैं वे सब द्विघात समीकरण है, इसमें प्रश्न में बता दिया गया, लेकिन यहाँ पे x + 9 = 0 जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों?
सिर्फ यही हमें लिखना है यहाँ पे, ना सिद्ध करना, सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ लिखना है कि क्यों द्विघात समीकरण नहीं है x प्लस नौ बराबर शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उत्तर में क्या लिखा है कि x प्लस नौ बराबर शून्य जो है वह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात दो नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। और हम जानते हैं दोस्तों कि जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात दो होती है उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो अब यह सिद्ध हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों। और जो भी आपका डाउट हो प्लीज़ आप डाउट भी कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नावली 4.2 में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।